हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल, दिस इज बिलाल आशिक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईवीआरआई के बारे में। बहुत सारे बच्चे जो है पूछते हैं कि आईवीआरआई का कितना कट ऑफ जाएगा, आईवीआरआई कैसा है, कि इसके ऊपर वीडियो बना दो। बहुत सारे बच्चों ने इसके ऊपर कमेंट किया है, तो अब मैं आईवीआरआई के बारे में सारी चीज़ A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाला इस वीडियो में। आईवीआरआई में एडमिशन कैसे होती है, कैसे काउंसलिंग होती है, 15% कोटा की सीट कैसे फिल होती है, कितनी कट ऑफ गई है, 85% सीट जो है उसमें 85% कोटा की सीट कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, क्या ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं, कितनी फीस है, कितनी सीट है, कैसा क्लिनिक्स वगैरह है, एकेडमिक्स कैसा है, कितनी स्टाइपेंड मिलती है, कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, कंप्लीट हम आईवीआरआई के बारे में सारी चीज़ बात करने वाले हैं। तो अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके का इन्फॉर्मेशन लेके आता रहता हूँ। चलो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखो, आईवीआरआई जो है ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इसमें जो 15% जो है सीट वीज़ा के थ्रू फिल होती है और 85% सीट जो है उसके लिए आईवीआरआई अपना खुद का रजिस्ट्रेशन पैनल खोलता है, अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है, ठीक है। जब रजिस्ट्रेशन वगैरह का डेट आएगा, भी नहीं स्टार्ट हुआ है 2024 के लिए, 2024 से 25 के लिए जब स्टार्ट होगा तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा और अपडेट कर दूंगा आप लोगों को। तो खुद का रजिस्ट्रेशन करता है, जो ऑल इंडिया के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि वह सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जैसे एक BHU जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसमें सारे ऑल इंडिया के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वैसे ही आईवीआरआई में ऑल इंडिया के सारे बच्चे जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। अब उसकी कितनी कट ऑफ गई है 85% कोटा की, हम ये बात करेंगे। बात करते हो लास्ट ईयर जो 85% कोटा से जो रजिस्ट्रेशन हुआ था उसकी जो कट ऑफ गई हुआ मैं बता रहा हूँ। तो लास्ट ईयर जो है जनरल की जो कट ऑफ गई है UR की वो 595, लास्ट क्लोजिंग जो रैंक है 595 से प्लस जिसका भी नंबर था उसको कॉलेज मिल गया था जनरल कैटेगरी से, और ऑल इंडिया रैंक था 32,055, ठीक है। फिर जनरल EWS कैटेगरी की बात करें तो 39,154 ऑल इंडिया रैंक थी और नंबर थे 584, और इसकी जो है जनरल EWS की दो सीट जो है खाली बच गई थी। एक बात बता देता हूँ मैं, BHU है या IVRI है या बहुत ऐसा जगह पे जो है जब ऑफलाइन काउंसलिंग होती है या एस्ट वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग होती है तो जनरल EWS के है ना सीट जितने होते उतने बच्चे कई बार पहुँच नहीं पाते, तो कट ऑफ जो है बहुत नीचे चली जाती है कई बार, ठीक है। तो जो लोग भी जनरल EWS हो, अगर कम नंबर भी हो तो पार्टिसिपेट जरूर करना, क्योंकि दो सीट जो है खाली बच गई थी। फिर SC की अगर OBC की बात करें तो OBC की 39,695 इसकी ऑल इंडिया रैंक कट ऑफ गई थी और नंबर थे जो मार्क्स थे 583 इसकी कट ऑफ गई थी, 583 OBC की। फिर SC की बात करें तो 1,78,242 और स्कोर थे 438 नंबर। ST की बात करें तो स्कोर था 411 नंबर और ऑल इंडिया रैंक थी 214,150, ठीक है। तो ये जो है कट ऑफ गई थी IVRI की लास्ट ईयर। अगर इसकी फीस की बात करें तो फीस इसकी जो है 58,000 के आसपास है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे, लास्ट ईयर की जो फीस 30,000, अभी सेल्फ फीस बढ़ा दिया है, और इसकी सीट भी है ना हर साल जो है बढ़ती है कुछ ना कुछ। अगर लास्ट ईयर की बात करें तो सीट जो है 40 या 45 के आसपास था, अभी सीट जो है इस बार 50-55 के आसपास होने वाला है टोटल सीट, मतलब 50 से ऊपर ही सीट रहेगा इस साल, ठीक है। तो वो इसका नया ब्रोकर अभी नहीं आया है, जो भी इन्फॉर्मेशन जो भी चीज़ें नहीं आएगी वो आपको बता देंगे। तो इतना समझो कि 50 सीट है IVRI में, ठीक है, हर साल 5 या 10 सीट बढ़ता है, तो इस साल भी जो है थोड़ा सीट बढ़ सकता है, मे बी इस साल टोटल 60 सीट हो जाए, ठीक। और फीस बता दिया। एक और चीज़ यहाँ पे, अब स्कॉलरशिप की बात आती है, तो स्कॉलरशिप जो भी बच्चे 7 OGPA जो है फर्स्ट ईयर में तुम 7 OGPA सिक्योर करते हो उससे प्लस होता है, तो 3,000 पर मंथ सबको मिलता है। अगर अब तुम अपने बैच में फर्स्ट रैंक हो या सेकंड रैंक हो या थर्ड रैंक हो, फर्स्ट रैंक वाले को 6,000 पर मंथ मिलती है, सेकेंड रैंक वाले को 5,000 पर मंथ और थर्ड रैंक वाले को 4,000 पर मंथ मिलती है। तो ये बहुत अच्छी बात है, मतलब जो बच्चे टॉप करते हैं उसको 6,000 पर मंथ मिलेगा, जो कि बहुत ही मतलब अच्छा खासा पैसा होता है कि स्टूडेंट के लिए, ठीक। और अगर क्लिनिक्स की बात करें तो क्लिनिक्स वगैरह OPD केसेस वगैरह अच्छे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्लिनिक जो केसेस वगैरह देखने का काम होता है मेनली जो है UG के स्टूडेंट ही डील करते हैं, तो UG में ही तुम्हारा अच्छा खासा हाथ साफ हो सकता है और कैंपस सिलेक्शन भी होती है। मतलब IVRI बेस्ट है, हर एतबार से बेस्ट है, वहाँ हॉस्टल वगैरह की फैसिलिटीज भी अच्छी है, कैंपस भी है बढ़िया, IVRI इज्जत नगर बिल्डिंग लोकेटेड है, लोकेशन वगैरह भी परफेक्ट है, मतलब कोई डाउट नहीं है। अगर तुम IVRI में जाना चाहते हो तो आराम से जा
जा सकते हो आँख बंद करके, सब कुछ बेस्ट है वहाँ का। ठीक है, कुछ चीज़ें थोड़ा सा एक दो चीज़ों का शिकायत आता है जो कि मतलब मुझे नहीं लगता है कि ज़रूरी है। कुछ टीचर जो है वहाँ पे साइंटिस्ट जो IVR है वो मेनली रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई होती है, हर चीज़ रिसर्च ओरिएंटेड है, तो जो पढ़ाने वाले आते हैं वो साइंटिस्ट लोग ही आते हैं, तो वो जो है ज़्यादा इम्फेसिस करके नहीं पढ़ाते, तुमको खुद ही डील करना पड़ेगा। ये चीज़ें थोड़ा सा तुमको हो सकता है मे बी ऐसा लगे फील, और ऐसे कहीं भी जाओगे तो पढ़ना खुद ही होता है। ठीक है, टीचर का ज़्यादा रोल नहीं होता है कॉलेज में, कहीं भी चले जाओ पढ़ना खुद ही है। अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो तुमको खुद ही करना पड़ेगा सारा चीज़। ठीक, और इंटर्नशिप वगैरह में भी काफ़ी मतलब अच्छा जगह तुमको मौका मिल सकता है, हाँ, लेकिन इंटर्नशिप में पैसा नहीं मिलता है ज़्यादा IVRI में, ये एक डिमेरिट है। काउंसलिंग के बारे में बता दिया, काउंसलिंग 50% कोटा के थ्रू होती है, BCI के साथ तो होता ही है, मतलब BCI के थ्रू तो होता ही 15% कोटा के लिए, और ऑल इंडिया के बच्चे हैं 85% कोटा की जो सीट होती है, जो मतलब 40 के आसपास टोटल सीट होती है 85% कोटा बस्ती मान लो, तो उसमें टोटल ऑल इंडिया के स्टूडेंट, कोई भी स्टेट का बच्चा उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। रजिस्ट्रेशन जब स्टार्ट होगा, रजिस्ट्रेशन विंडो, तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और अब जो भी चीज़ें हैं वो आपको हम अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, और एक और चीज़ बॉन्ड का बात आता है, तो देखो अगर IVR में जाते हो तो वहाँ पे 50,000 का बॉन्ड, अगर तुम कॉलेज छोड़ते हो कोर्स कंप्लीट करने से पहले अगर कॉलेज छोड़ते हो तो तुमको 50,000 रुपया एज अ पेनल्टी पे करना पड़ेगा, तब तुम कॉलेज छोड़ के जा सकते हो। ठीक है, तो एक बॉन्ड भी है 50,000 का, जो कि कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, अगर ऐसा कोई क्यों ही छोड़ना चाहेगा, बट अगर छोड़ना चाहते हो तो 50,000 पे करना पड़ेगा। और वहाँ का इन्वायरमेंट एटमोसफेयर वगैरह तुमको अच्छा मिलेगा, टॉप के बच्चे पहुँचते हैं, मतलब जो भी अच्छे खासे जो भी टॉप के बच्चे रैंक लाते हैं, जो जिसकी अच्छी नंबर होती है, तो सब IVR में ही जाते हैं, तो एक अच्छा एटमोसफेयर देखने को मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो। अगर हाँ, जो लोग भी काउंसलिंग से रिलेटेड क्वेरी करना चाहते हो तो मेरा पेड मेंबरशिप प्लान ले सकते हो, अभी लोगे तो तुमको है ना अर्ली का बेनिफिट मिल जाएगा, अभी डिस्काउंट में चल रहा है। उससे क्या है, तुम अभी से लेकर के जो तब तक तुमको कॉलेज नहीं मिलेगा काउंसलिंग के मतलब लास्ट राउंड तक जो है हम तुम्हारे साथ रहेंगे, जो भी तुम्हारी क्वेरी होगी सारे क्वेरी को हम पर्सनली तुम्हारा व्हाट्सएप पे अपडेट मिलेगा, और कॉल से भी हम फ्री होकर के तुमको गाइड करेंगे, बात करेंगे तुम्हारा जो भी चीज़ें हैं, ये इसका बेनिफिट है। लास्ट ईयर जो है बहुत सारे बच्चों को मैं काउंसिल किया था, इस साल जो है वो पेड है, तो अगर पेड मेंबरशिप लेना चाहते हो ज़्यादा अमाउंट नहीं है, अगर जिसको भी चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे DM कर देना कि पेड मेंबरशिप चाहिए भैया। ठीक है, ऑल इंडिया के बच्चों के लिए है, जो कि मैं फीस बहुत ही कम रखा हूँ। ठीक, और पर्सनली काउंसिल करूँगा मैं तुम्हारे रैंक के बेसिस पे, तुम किस स्टेट से हो, कौन सा कैटेगरी, ये एक एक इंडिविजुअल बच्चे को है ना मतलब ऐसे कमेंट करते हो तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं पेड मेंबरशिप प्लान रख दिया हूँ। तो जो लोग भी चाहते हो कि हमको भैया अच्छे से काउंसलिंग करवाना है और हमारे इस नंबर पे हमारे लिए बेस्ट कौन सा कॉलेज रहेगा, तो तुम लोग मेरा पेड मेंबरशिप ले सकते हो। ठीक है, अभी अर्ली ऑफर आएगा, अभी से अभी लोगे तो तुमको डिस्काउंट मिल जाएगा, अगर रिजल्ट के बाद लेते हो तो थोड़ा सा और ज़्यादा प्राइस मिल सकता है। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो।